अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 जुलाई 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों फेल छात्रों के लिए बड़ी कुछ खबरी को देखेंगे और द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर डेट शीट की भी अपडेट को देखेंगे। कैसे पता करेंगे आप लोग फेल होंगे कि पास होंगे, एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रख दें। बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं, 12 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप लोग आवेदन नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती से आप लोग हाथ धो बैठेंगे। 79,943 टोटल पद हैं। अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको शिक्षक भर्ती में पेपर देने का मौका मिलेगा। सीटेट का पेपर 20 अगस्त को हो रहा है, उसके बाद आप लोग 24 अगस्त को बिहार सुपर टेट का पेपर देकर नौकरी लेंगे। ज़्यादा बच्चे आवेदन नहीं करेंगे, नौकरी पाने के चांसेस 50% से भी ज़्यादा रहेगा सभी बच्चों का, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है, एक बात और जरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभी हमारा DLED का प्रैक्टिकल होने वाला है, तो नंबर आप लोग कॉलेज से ज़्यादा नंबर की डिमांड करिए कि पूरे नंबर मिले। जितने ज़्यादा नंबर मिलेगा उतने ही शिक्षक भर्ती में मेरिट बनती है, तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब देखिए, आप में से काफ़ी बच्चों के मन में सवाल है कि जो बच्चे यूपी के हैं क्या वो बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% आवेदन कर सकते हैं, किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ज्योति मौर्य वाला केस, SDM वाला केस इतना ज़्यादा वायरल हो गया, लेकिन आप लोग को काफ़ी बच्चों को ये तक नहीं पता कि सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग का DLED कंप्लीट नहीं है, अगर आप लोग का 31 अगस्त तक आप लोग का DLED या BEd का कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, तब भी आप आवेदन के पात्र हैं। जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरे हैं, 20 अगस्त को जो पेपर है आप ये देंगे, सीटेट भी क्लियर नहीं है, तो भी दोस्तों वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा लाइफ में, याद रखिएगा। शिक्षकों की तैयारी आंदोलन की बारी, शिक्षक कल करेंगे विधानमंडल का घेराव, बिहार से अपडेट आ रही। देख रहे हैं दोस्तों, 16.3 लाख छात्र छात्राओं की बल्ले बल्ले हो गई, तो आप देख सकते हैं हर जगह बढ़िया बढ़िया खबर सीटेट को लेकर, जो कुछ खबरें देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिख कर आ रहा है ना, 31 अगस्त तक आप लोग का भैया DLED या BEd का कोर्स, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे DLED कर रहे हैं BEd, वो यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए सीटेट को लेकर, ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि आपका पेपर 31 से पहले हो जाएगा। सीटेट का पेपर की डेट 20 तारीख आ चुकी है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा, फॉर्म भर दीजिए। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपका मन है टीचर बनने का तो इससे अच्छा विकल्प नहीं मिलेगा। हाँ, एक कंडीशन ये कि आप लोग की जो नौकरी है वो बिहार में लगेगी। ठीक है, बिहार में पेपर देने भी जाना पड़ेगा, यूपी में इसका पेपर नहीं होगा। जो सेंटर बनेगा बिहार में बनेगा, और जो सैलरी बनेगी 25,000 बेसिक है, बाकी जो बढ़ के आएगी मान के चलिएगा 40+ सैलरी हो जाएगी, अच्छी खासी सैलरी है। यूपी में देख सकते हैं जल्द अस्तित्व में आ जाएगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, ये सब अभी आने वाला, आया नहीं, तो जो आ चुका है उस पर तैयारी करिए। ठीक है, बाकी देखिए आप लोग का पेपर हो चुका है DLED का, उम्मीद करेंगे आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो और नंबर भी अच्छा है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा पेपर इस बार करके आए होंगे, जरा इस अपडेट को पहले देखते हैं। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के जल्द अस्तित्व में आने की संभावना है। ठीक है, इसके अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, कर्मचारियों को नए आयोग में भेज दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को नए आयोग का बेसब्री से इंतजार है। प्रतियोगियों की मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, नए आयोग में समाहित होंगे उच्चतर और चयन बोर्ड। देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी आप लोग बिहार में अगर आप लोग को नौकरी मिल जाती है अच्छी बात है, जब यूपी में वैकेंसी आएगी आप लोग यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेकर यूपी आ जाइएगा, छोड़िएगा बिहार को। लेकिन जब तक आपके पास नौकरी नहीं है तब तक पहले प्रयास यही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, बाकी जो अभी आपके घर वाले मना कर रहे होंगे कौन जाएगा इतनी दूर नौकरी, देखिए जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी ना, ठीक है, आपके घर वाले आपको जाएंगे छोड़कर आएंगे। ठीक है, इतनी अच्छी नौकरी बहुत ही बेहतर है, बाकी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी वो एक अलग बात है। अच्छी वैकेंसी है, छोड़िएगा मत मौका। आप लोग जहाँ पर 1500 पदों पर आवेदन होता है, जहाँ पर 1000 पद आते हैं वो वाली वैकेंसी तो आप लोग छोड़ दे रहे हैं। अब जहाँ पर 1,70,000 पद है वो वैकेंसी अगर आप छोड़ देंगे तो हम नहीं कहेंगे कि इससे बड़ी गलती आपकी कोई होगी। ठीक है, लाखों रुपये आपने DLED या BEd के कोर्स में खर्च कर दिया है। जो बच्चे प्रयागराज से आते भैया उन्होंने ताबड़तोड़ आवेदन किया है। ठीक है, सब बच्चों ने जल्द से जल्द आवेदन कर दिया, जो बच्चे दूर के अन्य जिलों में वो बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है यार। SDM वाली जानकारी सभी को होगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किससे क्या फेयर चल रहा था, कैसे क्या मैटर है, लेकिन आप लोग इस वैकेंसी के बारे में उतना पता नहीं कर रहे हैं जो आपके काम की चीज़ है। आज नहीं तो कल अगर आपको नौकरी मिल जाएगी लाइफ सेट है।
ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, नौकरी पहले लेना है। अधिक जानकारी के लिए dlitresult.com वेबसाइट जहाँ पे एकदम जाइएगा, कोई ऐड इस समय नहीं आ रही, एकदम बढ़िया से आप जो सर्च करेंगे तुरंत आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों परीक्षा की डेट शीट, जी हाँ, अब द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर से फायदा होगा अगर इन बच्चों का पेपर भी 31 से पहले कंप्लीट हो जाता है। पेपर देखिए मेन क्या ना, 31 से पहले हो जाना चाहिए, रिजल्ट तो बाद में नहीं आएगा। अब सीटेट का पेपर आपको पता है कब होगा, 20 अगस्त को। अब क्या सीटेट का रिजल्ट 31 से पहले आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि उसमें लिखा ये कि जो टाइम लाइन दी गई है उससे पहले आप लोग का पेपर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना साफ साफ कि मेरे शिक्षक पात्रा परीक्षा का आयोजन इससे पहले पूर्ण हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, ये लिखा ना कि ये लिखा कि रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। शिक्षक भर्ती की तैयारी करके रहिए। अभी एक बात और आपको बता दें, आपके मन में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, हम आपको बता रहे हो क्या है, आपको ये लग रहा है कि सभी बच्चे सब तैयार कर चुके हैं, किसी की कोई तैयारी नहीं है। जब आप लोग को पता था मौका मिला, देखिए पहले तो यूपी के छात्रों को मौका ही नहीं मिला था, ठीक है, कुछ दिन आवेदन चला, उसके बाद बाहर राज्यों के बच्चों को आवेदन का मौका मिला। तो सिंपल सी बात है कि अभी सभी बच्चे बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। ज़्यादा की तैयारी किसी की नहीं है, जितनी तैयारी आपकी है उतनी तैयारी आपके दोस्तों की भी है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके जो साथी लोग हैं भैया उनको सब तैयार है, वो खाली पेपर के लिए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चों ने अभी तक किताब तक नहीं खरीदी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए हम पहले ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके सामने एक प्रूफ रख रहे हैं। देखिए काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर अभी हमारा सीटेट या डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं बिहार शिक्षक भर्ती का? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है कि मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, मैं इसकी स्वघोषणा करता या करती हूँ। तो इस पर आपको टिक करके एक पीडीएफ जो आपका मतलब एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। सीटेट का भी एडमिट कार्ड नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने कंप्लीट किया प्रिंट करते हैं वो अपलोड कर देंगे। अब दूसरी बात आती है, अगर आप लोग दोस्तों डीएलएड या बीएड का कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर भी उसके लिए फ़ायदा है। देखिए इस पर अगर आप टिक करेंगे कि मेरे शिक्षक प्रशैक्षणिक परीक्षा का आयोजन मतलब जो भी आपका पेपर है डीएलएड या बीएड में आपका अगर 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया वाला मौका दिया जा रहा है, तो अब गलती मत करिएगा, ठीक है। इससे अच्छा विकल्प आपको नहीं हमको लगता कि आने वाले समय में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, सीटेट के लिए आप एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करेंगे। काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। और एक बात और आपको बता दें, जो ये फॉर्म आप कंप्लीट करते हैं यहाँ पर देख लीजिए टाइमिंग चल रही है 15 मिनट में दोस्तों, आपको अपना ग्रेजुएशन का अपना सब्जेक्ट नेम पासिंग ईयर ये सब ठीक है पूरा कंप्लीट करना है, मात्र 15 मिनट का समय मिलेगा। वेबसाइट नहीं चलेगी, कोई दिक्कत रहेगी तो आप परेशान होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं अब उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। जल्दी से फॉर्म भरिए, 12 तारीख लास्ट डेट है। अगर डेट बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती तो आपका आवेदन हो जाना चाहिए। इससे आसान शिक्षक भर्ती, पेपर कठिन होगा कि आसान होगा एक अलग बात है, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे आवेदन नहीं करेंगे जितना आप सोच रहे हैं। जल्द से जल्द आवेदन करिए। ऑल द बेस्ट।